सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट। इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24 में स्वागत है। मैं नूर फातिमा, हमारे रिपोर्टर असलम खान की धुलिया से खास रिपोर्ट। 15 अक्टूबर 2021 को दोपहर 3 बजे ज़िला धुलिया के सुमैया हॉल में देश फाउंडेशन, लोक सेवा ग्रुप और धुलिया एजुकेशन फॉर्म की जानिब से सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए खास प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें प्रोग्राम का मार्गदर्शन अब्दुल रहमान खान साहब, IPS ऑफिसर, और आसिम खान साहब, जो कि इस साल के UPSC के टॉपर हैं। ये धुलिया ज़िले के पहले मुसलमान UPSC टॉपर हैं। उन्होंने UPSC करने वाले स्टूडेंट्स को कीमती मालूमात से नवाजा और स्टूडेंटों के सवालों के जवाब देकर उनका हौसला बढ़ाया। अब्दुल रहमान साहब और आसिम खान साहब के साथ प्रोग्राम के सदर डॉक्टर निसार अहमद अंसारी और मेहमान खुसूसी मौलाना मुख्तार अहमद मदनी साहब और मुफ्ती सैयद महमद कासिम जिलानी साहब के इन सभी स्टूडेंटों को कीमती मालूमात से नवाजा। ऐसी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24। इसके पर कुछ कहना चाहता हूँ। जुबैर सर ने अभी कहा कि UPSC का इम्तिहान उर्दू मीडियम से नहीं लिखा जा सकता। ये हमारे माशरे में बहुत बड़ी गलत फहमी पहुँच चुकी है। उर्दू मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं 10वीं तक 12वीं तक, उनको ये लगता है कि हम बस 10वीं तक पढ़ पाते हैं, 12वीं तक पढ़ पाते हैं, उसके बाद उर्दू से कुछ नहीं हो सकता या किसी भी मातृ जबान से, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि UPSC का प्रीलिम्स इम्तिहान पहला जो है वो तो अंग्रेजी और हिंदी में होता है, लेकिन उसके बाद जो मेंस इम्तिहान होता है जिसमें 9 पर्चे हैं, उन 9 में से आप 8 पर्चे उर्दू जबान में लिख सकते हैं। IAS के ओहदे पर पाइस होने के लिए आप पूरा के पूरा इम्तिहान उर्दू जबान में लिख सकते हैं। अपनी इस गलत फहमी को दूर करिए। UPSC आपको अलो करता है कि आप जितनी वहाँ पर लैंग्वेजेस दी गई है, उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, आप किसी भी जबान में UPSC का इम्तिहान लिख सकते हैं। तो मेरे ना सिर्फ ऑप्शनल के जो 2 पर्चे थे वो उर्दू जबान में थे, बल्कि इसके अलावा जनरल स्टडीज के 4 पर्चे, ऐसे का पर्चा, ये सारे के सारे पेपर्स मैंने उर्दू जबान में लिखे हैं। जब ये बात मैंने जब 2015 में हज कमिटी ऑफ इंडिया में एडमिशन लिया और वहाँ पे अपने जो मेंटर्स थे, जो कोचिंग पढ़ाते थे, उनको ये बात कही थी कि मैं उर्दू UPSC का इम्तिहान उर्दू जबान से लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत रोका कि मत लिखो, रहनुमाई मौजूद नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं है, किसी तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे चुनों का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी पिया समंदर से नूर निकलेगा। रहनुमाई की कमी और टेस्ट सीरीज ये जो 5-6 साल पहले थी, ये आज भी मौजूद है। आप लोगों को उर्दू में नोट्स नहीं मिलेंगे, टेस्ट सीरीज किसी भी तरह की अवेलेबल नहीं है। और रहनुमाई के लिए मैं बताना चाहता हूँ, 2017 से लेकर 2020 तक जिन चंद स्टूडेंट्स ने UPSC का इम्तिहान, फाइनल इम्तिहान उर्दू जबान में लिखा है, उसमें से 3 मरतबा मैं ही हूँ जो 2017 से ये इम्तिहान मेंस में लिख रहा है और 2 मरतबा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाया हूँ। रुकावटों की जो सबसे बड़ी बात आती है, पहली चीज़ तो ये कि हमारे स्कूली जो हमारे यहाँ पे स्कूल चल रही है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरी, इंजीनियरिंग इस तरह की रहनुमाई की जाती है, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो मवाद की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है, वो इतने बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। और रुकावटी जो मुझे मजमून किया गया, जो मौजूद किया गया है।